नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ पूजा का हुआ समापन। राज्यपाल के बुलावे पर दूसरी बार नहीं पहुंचे के पाठक। थर्मास खत्म होने के बाद शादियों का सीजन होगा शुरू। पटना के इस अस्पताल में CGHS के तहत 6 महीने तक नहीं होगा इलाज। पवेलियन लौटते समय महेंद्र सिंह धोनी ने फैन को दिया खास तोहफा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ पूजा का हुआ समापन। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आज चैती छठ पूजा का समापन हो गया है। उदयाचल गामी सूर्य को लोगों ने अर्घ्य दिया। घाटों पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। सभी ने भगवान भास्कर से सुख समृद्धि और शांति की कामना की। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रतियों ने 36 घंटे से चल रहा निर्जला व्रत को तोड़ा और इसके बाद लोगों ने छठ के प्रसाद का सेवन किया। मालूम हो कि छठ पर्व 4 दिनों का होता है। पहले दिन नहाए खाए के साथ महापर्व की शुरुआत होती है और उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन शाम में डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और उसके बाद आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसके साथ ही इस महापर्व का समापन होता है। राज्यपाल के बुलावे पर दूसरी बार नहीं पहुंचे के पाठक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर ने तलब किया और उसके बाद राज्यपाल के बुलावे पर के पाठक दूसरी बार नहीं पहुंचे। वहीं बिहार के राज्यपाल ने के पाठक का 30 मिनट तक इंतजार किया। दरअसल 9 अप्रैल को राजभवन में सभी विश्वविद्यालय के VC को तलब किया गया था। इसमें के पाठक को भी आमंत्रित किया गया था और उसमें के पाठक नहीं पहुंचे थे और इनकी अनुपस्थिति पर राज्यपाल ने खेद जताया था। साथ ही राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट L. चोंगथू ने इसे लेकर के पाठक को पत्र भेजा और इस पत्र में के पाठक की अनुपस्थिति का कारण पूछा गया। साथ ही उन्हें राजभवन में उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन राजभवन के बुलावे पर भी फिर से के पाठक नहीं पहुंचे। यूरोप और अमेरिका के लोग भी चखेंगे शाही लीची का स्वाद। दुबई के बाद अब यूरोप और अमेरिका के लोग भी बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची का स्वाद चखेंगे। जानकारी के अनुसार पिछले साल खाड़ी देशों में शाही लीची ने 15 टन का कारोबार किया था और इसके बाद अब इसके और निर्यात की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए कई स्तर पर काम किया जा रहा है। इस बार यूरोपियन के साथ ही अमेरिकन लोग के घर तक शाही लीची पहुंचेगा और साथ ही चाइना के लोग भी शाही लीची खाएंगे। बताया जाता है कि इसके लिए अभी से ही निर्यातन कंपनी मुजफ्फरपुर पहुंचने लगे हैं। इसके लिए ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं। खरमास खत्म होने के बाद शादियों का सीजन होगा शुरू। खरमास का समापन हो चुका है और इसके खत्म होने के बाद शादियों का सीजन अब शुरू होने जा रहा है। अब मांगलिक कार्य शुरू होंगे। बताया जाता है कि 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच विवाह का बढ़िया संयोग है। वहीं 23 अप्रैल से लेकर 30 जून तक शुक्र ग्रह के अस्त हो जाने के बाद वैवाहिक कार्य नहीं होंगे। बताया जाता है कि शादियों के लिए मुहूर्त में गुरु और शुक्र ग्रह का होना जरूरी होता है और इधर जुलाई में शुक्र के उदय होने के साथ ही शादी ब्याह का सिलसिला शुरू होगा और जुलाई तक विवाह का शुभ मुहूर्त है। ABVP के छात्रों ने के पाठक के घर का किया घेराव। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हमेशा अपने फैसलों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। वहीं आज ABVP के छात्राओं ने के पाठक के घर का घेराव किया और इनके पटना स्थित सरकारी आवास को घेर लिया। साथ ही इन्होंने जमकर नारेबाजी की है। ये के पाठक गो बैक के नारे लगा रहे थे और इसके बाद पुलिस कर्मियों के द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया। छात्रों में के पाठक के खिलाफ नाराजगी देखी गई है। मालूम कि विधानसभा के सत्र के दौरान भी के पाठक को लेकर भारी हंगामा हुआ था। विपक्ष के नेताओं ने के पाठक की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। एशियन गेम्स के लिए भोजपुर की बेटी का हुआ चयन। आने वाले समय में एशियन गेम्स के लिए भोजपुर की रहने वाली राधा का चयन हुआ है और साथ ही नेपाल और अन्य देशों में भी आयोजित होने वाले खेलों में ये हिस्सा लेगी। हाल ही में इन्होंने ओडिशा के पुरी में आयोजित कॉम्बैक नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और इसके साथ इन्होंने सिर्फ भोजपुर जिले का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का मान बढ़ाया है। इन्हें पहलवानी में बिहार केसरी के खिताब से नवाजा गया। जानकारी के अनुसार राधा आरा की रहने वाली है। लोकल न्यूज 18 को एक साक्षात्कार में राधा ने बताया है कि पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। पटना के इस अस्पताल में CGHS के तहत 6 महीने तक नहीं होगा इलाज।
पटना के पारस हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पारस अस्पताल को CGHS के पैनल से 6 महीने के लिए बाहर किया है। अगले 6 महीने तक पारस हॉस्पिटल में केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मरीजों का इलाज नहीं हो पाएगा। CGHS के अपर निदेशक की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। CGHS के तहत इलाज के लिए भर्ती सभी मरीजों को 7 दिनों के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है। 7 दिनों के बाद सरकारी योजना के अंतर्गत जारी हुई बिल जांच के घेरे में आ जाएगा। मालूम है कि इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी और उनके परिवार के सदस्य लाभार्थी होते हैं। 3 साइबर शातिर कई ATM कार्ड और सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय जिले की पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 3 साइबर शातिरों को गिरफ्तार किया है। ये ऑनलाइन खाता खुलवाकर फेसबुक के जरिए लोगों से ठगी किया करते थे। इनके पास से अलग अलग बैंकों के 12 ATM कार्ड, सिम कार्ड, 10 आधार कार्ड और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि ये ठग प्राइवेट जॉब दिलाने के नाम पर ऑनलाइन खाता खुलवाते थे और उसके बाद फर्जी तरीके से फेसबुक से ठगी किया करते थे और इनके द्वारा खाता का दुरुपयोग हो रहा था। रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। साइबर शातिर ने ठगी के मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। बिहार में पहली बार तितली की एक नई प्रजाति को देखा गया। मालूम हो कि तितली पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य में तितली की करीब 120 प्रजातियां पाई जाती है। सोसाइटी फॉर यूथ नेचर प्रोडक्शन एंड यूथ डेवलपमेंट के अध्यक्ष ने राज्य के पूर्वी चंपारण वैशाली में हिमालयन बात वाइट और हिमालयन येलो कोस्टर तितलियों को देखा है। इसे यहाँ पहली बार देखा गया। ये तितली आमतौर पर अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम में पाई जाती है। जानकारी के अनुसार इन तितलियों का जीवन काल मात्र 4 महीने का होता है। आनंद मोहन ने बिना नाम लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बिना नाम लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो खुद को महिषासुर के परिवार का बताते हैं, वो क्या खाते हैं, इससे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता। दरअसल ये बातें आनंद मोहन ने लवली आनंद के चुनावी क्षेत्र शिवहर में भ्रमण के दौरान कहा है। मालूम हो कि पिछले दिनों बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुकेश सैनी के साथ मछली खाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी चुनावी सभाओं के दौरान आपत्ति दर्ज की थी। लालू यादव ने भाजपा पर बोला तीखा हमला। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। इन्होंने कहा है कि भाजपा में हार के डर से घबराहट है और इसी कारण बीजेपी 400 पार करने का दावा कर रही है। लालू यादव ने कहा है कि संविधान बदलने की कोशिश करने वाले लोगों का जनता आंख निकाल लेगी। भाजपा के लोगों ने ये मान लिया है कि चुनाव में इनकी हार होने वाली है। राजद सुप्रीमो ने कहा है कि भाजपा के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को बदल देंगे और ऐसा काम करने वाले लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये लोग देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। सिवान लोकसभा सीट से RJD ने अवध बिहारी चौधरी को बनाया प्रत्याशी। सिवान लोकसभा सीट पर राजद की ओर से सस्पेंस को खत्म कर दिया गया। दरअसल राजद की ओर से सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका था, लेकिन सिवान की लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी और उसके बाद अब इस सीट से सस्पेंस को खत्म कर दिया गया। यहां से RJD ने अवध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। अवध बिहारी चौधरी ने खुद सोशल मीडिया से ये जानकारी शेयर की। आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हें राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिंबल दिया है। रोहिणी आचार्य ने भाजपा के मैनिफेस्टो पर उठाया सवाल। राजद से राजद के लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने भाजपा पर हमला बोला। इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की रोजगार क्रांति से भाजपा के लोग डरे हुए हैं। भाजपा को अपने घोषणा पत्र में नए आश्वासन देने से पहले उन्हें अपने पुराने आश्वासनों को पूरा करना चाहिए था। रोहिणी आचार्य कहती है कि भाजपा ने जो रोजगार देने का वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया, जबकि महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव ने अपने नौकरी के वादों को पूरा किया। उन्होंने बिहार में रोजगार की क्रांति लाई और उसके बाद अब इन्होंने फिर से सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, इससे भाजपा डरी हुई है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को बिहार की जगह दिल्ली की इस सीट से मिला टिकट। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। इन्हें इस बार बेगूसराय की सीट से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पाया और महागठबंधन में ये सीट CPI प्रत्याशी को दी गई है। इसके बाद कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार की जगह दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। महागठबंधन में ये सीट CPI प्रत्याशी को दी गई और इसके बाद कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार की जगह दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली की संसदीय सीट से पार्टी ने टिकट दिया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार 2 बार के सांसद और सिनेमा स्टार मनोज तिवारी को टक्कर देने वाले हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बारे में मालूम हो कि ये JNU छात्र संघ के
पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। पवेलियन लौटते समय महेंद्र सिंह धोनी ने फैन को दिया खास तोहफा। मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने पवेलियन लौटते समय कुछ ऐसा किया जिसकी जमकर तारीफ की जा रही है। दरअसल स्टेडियम में मैच के दौरान धोनी ने सभी का दिल जीत लिया। आखिर ओवर में क्रीज पर आए धोनी ने हार्दिक पांड्या के लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के जड़े। वानखेड़े स्टेडियम में एमएस धोनी ने शानदार पारी खेली। इन्होंने केवल 4 गेंदों में 20 रन बनाए और उसके बाद लौटते समय इन्होंने एक युवा फैन को गेंद उपहार में दी है। ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धोनी ने ऐसा करके सभी का दिल जीत लिया है। आपके अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम में मेंटोर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को जुड़ना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विनोद महात्मा, सोनू रजक, वरुण कुमार, वेद प्रकाश सिंह, नरेश मुर्मू, मंतोष कुमार, उमेश कुमार, विवेक कुमार, तुलसी श्रीदेव, विनोद शाह, विजय कुमार, राजकिशोर महतो, राजेश मांझी, राजू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है आपके अनुसार कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को किस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।